हाय प्यारूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ला ला ला, सो वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज मैं, मम्मी, पापा ऐसे ही थोड़ा घूमने जा रहे हैं गोविंद देव जी, और थोड़ा सा खा पी के आएंगे। तो मैंने सोचा आई शुड व्लॉग ऑल ऑफ दिस फॉर यू। वैसे तो हम लोग मथुरा वृंदावन जाने वाले थे, बट अपेरेंटली हम वहां नहीं गए। अब हम लोगों का आज प्लान था मंगला आरती में जाने का, पर मंगला आरती होती है सुबह 5:15 बजे और अभी बज रहे 9:15, तो हम उसमें तो नहीं ही पहुंच पाएंगे। और अब फिर दूसरी आरती जिसके लिए हम जा रहे थे वो होती है 9:30 बजे, जिसमें भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके बाद एक 10:45 की है, मोस्ट प्रोबेबली हम तब पहुंचेंगे जाके। और मम्मी वॉज टू कॉन्फिडेंट। मम्मी आप तो कह रही थी मैं तो सुबह ही पहुंच जाऊंगी 5:15 वाली में। क्या हो गया अब? क्या करें, छुट्टियों का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सोने का लालच आ गया। तो हम जाएंगे, तो आई विल टेक यू गाइस अलोंग, और हम खूब मस्त सा खा पी के आएंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मेरा प्लान यही था कि वहाँ पे ना काफ़ी पुरानी ऐसे फेमस ब्रेकफास्ट प्लेसेस हैं, तो मैं चाहती थी आप लोगों को दिखाना कि आप लोग भी देखो, फिर वहाँ जाओ, फिर खाओ। और मैं अपना एक्चुअल रिव्यू भी दूंगी कि वो जितना जो हाइप है, जो इंस्टाग्राम वाले फूड ब्लॉगर जितना तारीफ करते हैं, वैसा है या नहीं है। तो हम लोग चलते हैं। अब कहा था ना हम 9:30 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही हमारे घर से निकलते, मतलब एक कदम चलते ही हम हमारे पहले स्टॉप पे रुक गए हैं। क्या खाने के लिए? हम खाएंगे पनीर पकोड़ा एंड जलेबी। कितने खुश हो रही है हमें, पनीर पकोड़े खाएंगे। और ये पहले हमारी बहुत फेवरेट जगह थी, अब इस बीच में बंद हो गई थी, अब इसको वापस बनाया, बड़ा फैंसी से बनाया। अब इसमें अंदर घुसने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। अब देखते हैं कि टेस्ट अभी भी वैसा है या खराब कर दिया। अरे अरे, गाड़ी से मरोगी दे दी ना एक धुई पे बताओ क्या कह रही हो? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पनीर पकौड़े खाने, क्योंकि मुझे यहाँ के पनीर पकौड़े बहुत पसंद है। हाय हाय प्यारूस, बोलो। हाय प्यारूस। अभी तक हम लाए हैं पनीर पकौड़े, और लाए हैं हम जलेबी, और पापा ने चाय भी मंगाई है, मतलब मंगाई नहीं, हमने लिया है कूपन, उसका हम लेंगे। अब टेस्ट करके बताओ कैसे है, पहले जैसे है क्या? फ्रेंड्स, पनीर पकौड़े तो अच्छे हैं, जलेबी तो अच्छी होगी, वह टेस्ट करके बता देते हैं आपको। जलेबी तो बहुत, अभी तक तो हमारी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, जितनी अच्छी पहले होती थी, और बना भी बहुत अच्छा दिया है। तो अगर आपको बहुत दूर सिटी तक नहीं जाना है तो आप यहाँ आओ आराम से, बहुत अच्छा सिटिंग एरिया, वहाँ बैठो, वो सस्ता ही है सबको, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं, तो खाओ और मजे करो। ओके, अब सेकेंड लोकेशन में मिलते हैं। This is also mini Jaipur tour vlog. देख लो पिंक सिटी, प्रेम प्रकाश गोलेचा, गोलेचा जो पहले प्रेम प्रकाश के नाम से फेमस था, ये पहले प्रेम प्रकाश गोलेचा सिनेमा। गाइस, ये है यहाँ की पुरानी विधानसभा सुपर असेंबली, कितना सुंदर है ना, इसी को यही रखना चाहिए था। विधानसभा तो अभी वाली भी अच्छी है, बट इसको ये छोटी पड़ती होगी। जब इस भीड़ में कैसे, हाँ यहाँ तो बहुत मारामारी हो जाती होगी। अच्छा, ये है एंट्री गेट, मेन गेट से अंदर आओगे तो एक तरफ ये है, एक तरफ उधर बारादरी, उधर सिटी पैलेस है। गाइस, हमारा हो गया है पचका। आज जो राजभोग के दर्शन होते हैं, राजभोग झांकी जो होती है 11:15, वो आज नहीं होंगे। हम घुसे घुसते ये अनाउंसमेंट हो गई, आज व्यंजन द्वादशी है, इसलिए आज 12:00 बजे से 12:30 के बीच में दर्शन होंगे, और 1 घंटे बाद। अब हमें नहीं पता क्या करना, थोड़ा और खा लेते हैं कहीं जाके। अभी वाली झांकी आज नहीं होगा, अभी वाली झांकी आज नहीं होगी। गाइज, यू ऑल वॉन्ट टू नो हाउ वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट ऑफ दिस 1 आवर। हम खरीद रहे हैं सब्जियाँ, मेरे मम्मी पापा को सब्जियों का नशा है, नशा, मतलब जहाँ जरा सी मंडी दिख जाए ऐसे भागते हैं थैले लेके एकदम छूट के। और यहाँ वाली मंडी जो है ना, ये जो यहाँ सस्ते में अच्छा फ्रेश मिलता है, इसका तो अलग ही, मतलब कोई आ रहा होता है तो उससे मंगवा लेते हैं। और अब इनको याद आ गया कि 1 घंटा है, मंडी चलते हैं सब्जी लाएंगे। और अब मुझे उतनी ही नफरत है मंडी में आने से, और अब मुझे भी 1 घंटा यहाँ घूमना पड़ेगा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ मंडी की हालत देखना है एक बार, मतलब यहाँ पे टमाटर के साथ इंसान भी चित सकता है एक मिनट में, नीचे उसका भी रस निकल सकता है। फ्रेश आती हूँ कि आमेर से आती है? फ्रेश सब्जी आती है, इसलिए तो मेरे घर वाले दे आर ऐसे वो सिम फॉर ऑब्सेस्ड विद फ्रेश सब्जियाँ। मंडी देखो आप, जयपुर वॉट, ये जयपुर है नहीं, ये हम आ गए किसी गलीत से गाँव में। मम्मी देखो मेरा हाथ पकड़ के, अरे मैं कहीं नहीं जा रही, अच्छा सॉरी मैं भूल गई, आप डर रहे हो। साथियों ये आतिश मार्केट की मंडी है, यहाँ पर पूरे और शहर की मंडियों में गंदे नाले के पानी की सब्जियाँ आती, पर यहाँ पर आमेर साइड के कुएं की पानी की सब्जियाँ आती है, इसमें यहाँ की सब्जियाँ सबसे शुद्ध, जैसे चोमू की सब्जियाँ फेमस है इसी तरह से यहाँ की मंडी की सब्जियाँ फेमस है, क्योंकि आमेर के मीठे कुएं के पानी की सब्जियाँ यहाँ पर आती है। मोबाइल से चलता है, दो तीन अंकल ने कैमरा में स्माइल कर दिया क्योंकि उनको लगा टीवी पे आने वाले, पर मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँ कि मुझे तो नाली वाले पानी की सब्जियाँ अच्छी लगती है। ये हमारे आज YouTube पर देखिए, आज सब्जी लेके आज गोविंद देव जी की झांकी में एक घंटा लेट हुआ, तो आज हमने सदुपयोग किया, इसलिए मुझे सब्जी मंडी आना नहीं पसंद। देख लो ये होता है मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा, आज एक मोटी गाय आके मुझे टल्ला और मार गई, अभी तो वो मेरे को उड़ा देती, और अभी ये मूली और लेने कह रहे उसको खाएंगे और गाड़ी सड़ाएंगे पाँच पाँच। गाइस बम फूटने की तैयारी हो गई है, इतने मूली बाज है मेरे घर वाले। मम्मी मूली बहुत पसंद है आपको? बहुत ही। और वो जो बदबू होगी बेकार में, उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? वो देखो वो रुक ही नहीं रहे, मुझे लगता है वो सब्जी बाजी बनेंगे वकालत छोड़ के। ये मत सोचना कि अब वीडियो बंद हो गया है तो इन्होंने थैला ले लिया मुझसे, नो अभी तक थैला मेरे पास ही है और मुझे कमीशन में सिर्फ एक डब्बा स्ट्रॉबेरी मिली है। गाइस मैं एक बार भीड़ दिखाना चाहती हूँ, गाइज वैसे तो मैं चाहती थी कि ये वीडियो वो बने कि ट्राइंग आउट फेमस ब्रेकफास्ट प्लेसेस, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको जयपुर के सारे बड़े मंदिरों का टूर करा दूंगी। अब हम दूसरे मंदिर में आए हैं जो कि गोविंद देव जी से पास ही है बाहर निकल के, ये है काले हनुमान जी का मंदिर, और हम हमेशा ऐसे बाहर से दर्शन करके जाते हैं पर हमें कभी मौका नहीं मिला अंदर जाने का, बट आज हम फाइनली जा रहे हैं तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। तो ये ब्रेकफास्ट प्लेसेस की जगह मंदिर टूर हो गया आप लोगों के लिए। अगर आप काले हनुमान जी आए तो आप यहाँ शंकर मिष्ठान भंडार से क्या खा सकते हो, कचौरी और उसके मिठाई ले सकते हो, वहाँ से चाय पी सकते हो, पास में एक थड़ी है, हम यहाँ से नहीं खा रहे बट पापा ने बोला कि यहाँ की फेमस है और अच्छी भी है, हमने खूब खाई है यहाँ पे। हाँ। शंकर मिष्ठान की मिठाई बचपन में पापा ने, पास वाले चाय में अब भी हम जब मूड होता है तो रात बिरात कभी लेट आवर्स में हम आके यहाँ सब चाय पीते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने स्टोरी सुनाई थी कि मैं दशहरा पे यहाँ आई थी और मुझे डर लगा था, ये वही गार्डन है और अब मैं बचपन के बाद इतने सालों बाद यहाँ आ रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि ये था और मैं कभी यहाँ आई थी। राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया रील बना रही है और ये बड़ी दीदी इसकी बेचारी बार बार इसको परेशान कर रही है, वो इतना अच्छा आके डांस कर रही है पीछे हो रही है, बार बार कैमरा बंद कर देती है आराम को। ओ माय गॉड लटके झटके नजाकत। गाइज दिस इज़ आर लोकेशन नंबर सेकेंड नाश्ते की जहाँ से हम खा रहे हैं, पर ये वैसे इतना फेमस नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे इसके बारे में ऐसे कोई पोस्ट नहीं दिखेगी, बट हम लोग यहाँ बचपन से आते हैं, मतलब जब मैं छोटी तब मुझे मम्मी पापा लाते थे। अगर आप कंवर नगर, कहाँ है कंवर नगर ना, कहाँ पे बताओ लोकेशन? ब्रह्मपुरी आते हो कंवर नगर, कौन सा गार्डन? रोचीज गार्डन से आगे आके कंवर नगर में ये है और यहाँ की चाट बहुत अच्छी है, तो अगर आप यहाँ आओ बाय चांस तो यू कैन ट्राई। हाय गाइस वी आर एट आर लोकेशन नंबर 3। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे सम्राट और सम्राट के पास एक गुजराती डेयरी है वहाँ पे, बट उस रोड पे इतना ज्यादा जाम था कि हम वहाँ जा नहीं पाए, उस गली में ही नहीं घुस पाए, हमें लगा कि कोई मतलब नहीं होगा वहाँ जाने का, तो हम एक जगह आ गए हैं जो हाई कोर्ट के पास है, कलकत्ता चाट भंडार करके, और यहाँ हम बचपन में आते थे, मतलब मेरा बचपन था और पापा तब लेकर आते थे, यहाँ पे चीला देते हैं अंकल और चीले के साथ एक दो तरह की चटनी देते हैं, दही देते हैं दो तरह के, और उसके साथ दही बड़ा, मतलब दो चीजें बेचते हैं, एक चीला और एक दही बड़ा,
तो मैं बहुत आती थी बचपन में। उसके बाद अभी मैं जब इंटर्नशिप करने आई थी तब भी मैं यहाँ पे खूब खाती थी, कभी अकेले बैठ के कभी अपने को इंटर्न्स के साथ। तो हमने फिर सोचा कहीं और जाएं, कहाँ जाएं समझ नहीं आया, तो हमें एकदम से हिट किया कि यहाँ आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ आए और हम बस प्रे कर रहे थे कि ये खुला मिले, क्योंकि आज संडे है तो कोर्ट बंद रहता, तो हमें लगा कि अंकल भी खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, बट अंकल हैं तो अब हम वो खाएंगे। और उसके बाद हमें नहीं पता कि हम कुछ खाएंगे या नहीं, बिकॉज फिर हमारा पेट भी जवाब दे गया और कोई जगह भी नहीं बची है। मतलब सिटी साइड ही है मेन जगह जो हम दिखाना चाह रहे थे, बट वहां तब जा नहीं सकते। तो लेट्स सी कि यहाँ खाने के बाद हमें कुछ मिलता है क्या, वरना तो अब हम चलेंगे घर। और उससे पहले अब यहाँ पे खाते हैं, और यहाँ का टेस्ट तो मुझे एकदम फ्रेश इन माई मेमोरी है, एकदम मुझे याद है कि कितना अच्छा टेस्ट है। बस थोड़ा सा मुझे लगा था एक्सपेंसिव, मुझे लगा था 120 फॉर अ चीला इज टू मच, 120 या 140, बट ठीक है वो मतलब बहुत टाइम से है प्लस बहुत सब कुछ देते हैं साथ में। तो मैं प्राइस आपको वापस कन्फर्म करके बताऊंगी, और टेस्ट तो मुझे याद है बहुत अच्छा है। गाइज हम हो गए हैं खा पी के फ्री, और यस 120 का ही था चीला, और दही बड़े भी 120 के थे। और दही बड़े नहीं है वो, दही हाथी बड़े हैं वो, मतलब कैसे बताऊँ, इतना बड़ा एक दही बड़ा होता है इनका। कोई तो ऐसे छिलके वाली काली दाल होती है ना उसका बनाते हैं, मतलब किसी और चीज़ का। और हम इतना भर गए ना, हम यहाँ तक ढाप गए एक चीले और एक दही बड़े में, मतलब देयर दही बड़ा एंड चीला इज़ वेरी 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 फिलिंग। मतलब हम तीनों ने मिलके खाया ना तब भी हमारा पेट ऐसा हो गया कि त्रांट। कैसा लगा आप लोगों को दही बड़ा और चीला, आप लोग भी रिव्यू दे दो। लहसुन की चटनी, दही की चटनी, छुआरे की चटनी, खट्टा मीठा दही, बहुत सारी चीजें देते हैं साथ में, छोले। हाँ छोले देते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छे से, और हेल्दी भी होता है ना ये। तो हमने कुछ अनहेल्दी भी नहीं खाया, वैसे तो हम खा ही रहे हैं अनहेल्दी, बट अभी अनहेल्दी नहीं खाया हमने, वेरी हेल्दी फूड। दही बड़े में जो बड़ा होता है वो भी इसमें मूंग की दाल का होता है, और चीलना मूंग की दाल का होता है, तो मूंग की दाल नुकसान नहीं करती कंपेरेटिवली। यदि हम बेसन खाएं या और बड़े में उड़द की दाल खाएं, उससे कम नुकसान नहीं करता है, क्योंकि और हम एकदम फुल हो गए। मतलब अगर आप तीन लोग भी आ रहे हो और ये दो चीजें लोगे तो बिल्कुल आपका पेट भर जाएगा। और बस अब हम और आपको जगह नहीं दिखा सकते खाने की, क्योंकि हमारा पेट हमने कोई भाड़े में थोड़ी लिया है आप लोगों के लिए। शाम को आप जीटी चलना चाहें तो अरुंधति के साथ जीटी चलिए, हाँ शाम को जीटी जाएंगे तो मैं जीटी में जो खाऊंगी उसका रिव्यू दे सकती हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं बर्गर किंग या कुछ बर्गर फार्म खाऊंगी, उसका तो रिव्यू क्या ही दूंगी। हाइजीनिक आप सोचो, या कोई ऐसी फायदेमंद चीज जीटी पे नहीं मिल पाएगी आपको, इसलिए आपकी चॉइस है, आप साथ देना चाहें तो दें, अन्यथा मत जाओ। चलो मैम, गाइस हम नींद के आगोश में जाते जा रहे हैं। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि घर कैसे जाएं। यदि कोई हमें यहाँ से ड्राइवर मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम पीछे सोते हुए चले जाएं ड्राइवर, क्योंकि मेरे को पापा का तो खाना खाते ही उंगन आती है। खाना खाया और उसके साथ में आज तो हमने कई तरह के दही खाए, दही चटनी और दही जो हम घर में खाते नहीं है, सर्दी में डर के मारे हम बाहर छोड़ते नहीं है, डिनर पे भी जाते हैं तो हमको दही चाहिए, और दूध दही हम दबा के खाते हैं, और घर में हमको दही इसलिए नहीं खाते कि हमको लगता है जुखाम हो जाएगी हमारे, बाहर वाले दही से नहीं होती पापा, जिसका पैसा लगता है उससे नहीं होती। मम्मी को अगर अपन इस दही तो जैसे अभी बड़ी वाली प्लेट के अंदर भी वो जो छोटी प्लेट में से गिर गया था उसको भी हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल पैसों का पूरा हमने सदुपयोग किया। हरिओम, कितने अच्छे लग रहे हो ना इस फ्रेम में अपन बैठे हैं। एक हमारी वाइफ है, वाइफ है जो दिन की रात की उल्लू है, जिसको कुछ भी खिला दो, कभी भी खिला दो उनको नींद, कभी खिला दो कुछ भी खिला दो इसको कभी नींद नहीं आती। और इससे हमको सबसे ज्यादा परेशानी है कि हम चैन से सो नहीं पाते।